स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। मैं हूँ ऋषभ। आज हमारा भोपाल में दूसरा दिन और आज के दिन होगा हमारा कार्यक्रम जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लोगों का रिएक्शन देखिए, स्पेशली जो लोग मेंशन कर रहे हैं, स्टोरी में टैग कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सही आई आप इंतजार सही में सभी लोग स्टोरी में यही सब गीत मेंशन कर रहे हैं, आइए आपका इंतजार है। थोड़ी देर में ही हम लोग जाने वाले हैं साउंड चेक के लिए, वहाँ पे जाके थोड़ा रिहर्सल होगा क्योंकि ओपन में प्रोग्राम है और साउंड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो मैं, ऋषभ और अयाची और पापा निकलेंगे, साउंड चेक करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद आकर के फिर से तैयार होंगे, उसके बाद प्रोग्राम में जाएंगे। और रात में दीदी को भी थोड़ा सा सर्दी खांसी टाइप का हो गया था लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। नहीं तू नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरा आवाज बदल रहा है मेरा। आज काफी कुछ होने वाला है तो बस व्लॉग में बने रहे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरा व्लॉग देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिए और इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो अभी जल्दी से आके हम खाना पीना थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं साउंड चेक के लिए, फिर शायद वहीं पे रहेंगे या देखेंगे जो जो प्लान होगा उस हिसाब से। तो बस व्लॉग में बने रहे, लेट्स गो टू ईट समथिंग। तो नॉर्मली मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ घर में, बस चाय बनाता हूँ मम्मी के लिए, लेकिन मेरे को थोड़ा सर्दी जैसा है तो मैंने अभी अदरक वाली चाय मंगा ली है, वो पी लेता हूँ, उसके बाद चलते नीचे खाना खाने के लिए। ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो व्लॉग्स देखते हैं, आप दोनों का नाम बताइए एक बार। आरव, एक बार व्लॉग में हाई बोलिए, कल वाला व्लॉग देखिएगा फिर आप। बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों, सारे व्लॉग्स देखते हैं आपके, मेरे को बताते हैं मम्मा देखो मैथिली दीदी आ गई, व्लॉग देखो आप भी आ गई, वो जर्मनी वाला, और सारे व्लॉग्स देखते हैं। क्या बात है हनी। मैं खाना पीना खा के जल्दी ऊपर आ गया, बाकी दीदी लोग अभी नीचे खा ही रही हैं। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से सारे इंस्ट्रूमेंट ले जाता हूँ और जहाँ पे हमारा शो होगा वहाँ पे जाके जल्दी से माइक टेस्ट करते हैं और फिर वापस आ जाएंगे यहीं पे, फिर कपड़ा वपड़ा बदल के शाम में जाएंगे। तो बस जल्दी से इंस्ट्रूमेंट सब ले जाते हैं। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। काफी सब्सक्राइबर्स भी हमारे वीडियोस देख के यहाँ पहुँच गए। आइए आइए आइए, हम लोग पहुँच चुके हैं रविंद्र भवन, चलते हम स्टेज पे। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ये अपने आप चढ़ रहा है तबला, अभी इसे डी शार्प पे किया था, बहुत ज्यादा चढ़ गया। तो मैं आज का भी व्लॉग बना रही हूँ, आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ हमारे मंत्री जी उपस्थित है, इतना सुंदर अरेंजमेंट है यहाँ पर, स्टेज इतना सुंदर है, ये अंकल जी जिन्होंने मतलब बहुत सारे लोग हमें कोऑर्डिनेट किए, ये सबसे पहले हमसे बात किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। शाम में मिलते हैं 5 बजे यहीं पर स्टेज पर, धन्यवाद। अरे वाह अरे वाह, मैं आप सभी की फोटो ले लेती हूँ, थैंक यू, मिलते शाम। हम लोग का साउंड चेक हो गया है, इधर बहुत सारे लोगों से मिलना हो गया है और हम लोग वापस जा रहे हैं, तो वापस होटल जाके हम लोग थोड़ा तैयार होंगे, उसके बाद वापस
वेन्यू पर आएंगे और लोगों से मिलेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, बहुत सारे गीत गाएंगे। हमारे साथ अभिषेक अंकल है यहाँ पर, लगातार बने हुए हैं। चलिए पहुँचते होटल। आ चुके हैं अपने होटल में, थोड़ा खाना पीने खाएंगे। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, अभी समय हो रहा है 5:55 और कभी भी कॉल आ सकता है कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तो दीदी भी तैयार हो चुकी है, उसका एक दैनिक भास्कर में एक इंटरव्यू है तो बाहर दे रही हैं। और मैं सनी तैयार हो गया बढ़िया से, यस स्मार्ट सब वहीं लग रहा हूँ। ये थे हमारे दैनिक भास्कर के पत्रकार जिनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई है, जब पेपर में आएगा तो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी कॉल आ गया है, नीचे चलना है अभी तुरंत। प्रशंसक हूँ और एक तरह मैंने कुछ आपको देख के सीखा है। तो अभी हम लोग हैं ग्रीन रूम में और कार्यक्रम शुरू होने से पहले थोड़ा ऐसे ही हम लोग मिलजुल रहे हैं। हमारे अंकल से मिलिए, इनको इतना समय नहीं मिला कि ये सफेद कुर्ता धारण करते सब बना बना के रखे हुए हैं। और ये हमारे कालू भट्ट जी है और ये हमारा भाई है छोटका, ये हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। और ये अंकल तैयार है अपने सफेद कुर्ते में। और ये रहा उत्सव, ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, बिग बॉस। और सब चीज का ख्याल रख रहा है अंकल। आप चाय पानी लेंगे, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, सब ठीक है। ये वाह, मजा आ गया। कार्यक्रम शुरू हो चुका है लेकिन थोड़ी देर में अब मेरी प्रस्तुति शुरू होगी, तो हम लोग रेडी है। थैंक यू। नाम नहीं लिया हमारा, नाम इतना याद करा रहा हूँ फिर भी ज्ञानेंद्र अंकल जी बिल्कुल टिप टॉप तैयार है सफेद कुर्ते में। मैं बोल रही हूँ आप भी प्लीज पहन लीजिए कुर्ता। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यू ऑल नो द ड्रिल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और एक चीज और आपको दिखाती हूँ, आपको मिलवाती हूँ हमारे पिताजी के मामा जी से। ये रहे, इनसे मैं पहली बार मिली हूँ भोपाल में, ये रही मामी जी, मतलब हमारी दादी लगेंगी। और सब लोगों से इस बार भोपाल के कार्यक्रम में मिलना होगा क्योंकि मैं पहली बार भोपाल आई हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं स्टेज पर। Yeah. They were total.
से के लिए ताने बजाएंगे। जोरदार ताली, जमीन का हौसला नहीं होगी तो जोरदार ताली नहीं सबके लिए। और छोटा छोटा कम होता है, छोटा कम और धमाका आया ची जी जी तेरा जोरदार ताली आया ची के लिए, ठाकुर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। लगातार जब तक आपने सुना सूफी सांगी सुनाए, भजन की सुनाए और होली की गीत सुनाए। जी और आना, बिल्कुल बिल्कुल आ रहेंगे, आप बुलाइए हम जरूर आएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वापस प्रोग्राम से। यहाँ इनके आवाज पर भूमिका जी का फोन उधार मांगा है मैंने, ताकि मैं इनके फोन से वीडियो बना पाऊँ। मेरा फोन का कोई अता पता नहीं है कहाँ पर क्या है। और मेरे लिए यहाँ पे मंत्री जी की पूरी फैमिली ही यहाँ पे आई हुई है, सभी को इतना मजा आ रहा है। इधर भी आ गए अंकल, आ गए अंकल, आप मेरे व्लॉग में एक बार हाय बोल दीजिए। मुझे इतना अच्छा लगा भोपाल में आकर के, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि आप डरा रहे थे ना कि यहाँ के लोग ज्यादा देर बैठेंगे नहीं, ठंड का माहौल है ये। मैं ये बोलती, ये लोग इतने देर कैसे बैठे हुए हैं। बहुत मजा आया। आंटी जो आज इतनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे आज सभी बहुत सज धज के रेडी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है सब। चलिए अब खाने पीने की बारी है। मेरे फेस से आपको लग रहा है मैं बहुत बहुत जोर से भूख लगा है, तो चलिए मिलते हैं आपसे भी लोगों से थोड़ी देर बाद। हाय बाय। मेरे दोस्त की जितनी भी मम्मियां हैं वो इन सब के व्लॉग्स देखती हैं पूरे समय, तुम लोग क्या मीन पूरे समय अप टू डेट एक एक चीज पता है। और आज आ नहीं पाए किसी रीजन से, बट हाँ फैन फैन लिटरली। एक आप भी ले लीजिए, रेस लगा दे कौन पहले पिएगा। एक रेस लगाते हैं, एक घुटे पे कौन पीता है। आओ हार जाऊंगा मैं। 1 2 एक जोक तो मार दो फिर हम करेंगे। पकड़ 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 रुके, याद कर लेते हैं पूरा। ये तुम इतना सोचना पड़ रहा है, बाप रे इतना गंदा लीम, कुत्ता कैसे भागता है पैर से। आपकी मम्मा का तो थैंक यू। अरे वाह, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास अंकल की बेटी हमारे इतने ब्लॉग्स देखती है। शुरू करें, ये कॉम्पिटिशन देखना है। 1 2 3 4 अरे पकड़ 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 पकड़। अरे मुझे क्या पता है भाई, मुझे लगा पिएंगे। मुझे हल्के में मत लीजिए। मैं तो हल्के में ले नहीं सकता, तुम इतने बलवान लगते हो मुझे। अरे वो
कुछ और भी दिखाया था इसने। भैया आप समझे नहीं समझे? अरे यूरोप, यूरोप में। अच्छा हाँ, हाँ समझ रहा है, सोचता रहेंगे। फोन उठाया और बोलता अच्छा मैं देने आता हूँ। तो आपने बताया नहीं होगा हुआ क्या था जब मैं परफॉर्म कर ली, खत्म हो गया सब कार्यक्रम, उसके बाद एकदम से मुझे स्टेज पे से उठ के थोड़ा नीचे उतरना था, सम्मान हो रहा था, काफी सारे लोग थे वहाँ पे, तो मैं फोन छोड़ के चली गई। मैं सोची नहीं थी इतना भीड़ हो जाएगा। नीचे उतरी, इतने मेरा ध्यान आया टिंग से बजा, मेरा फोन किधर है? फोन गायब, कोई उठा के ले गया था। और हुआ क्या, पापा ने फोन किया कि है फोन किधर, ठीक है दीदी के नंबर पे। तो कोई इंसान फोन करता है? हाँ मेरे पास ही फोन है और मैं लेके आ रहा हूँ। क्योंकि उन्हें फोटो की सबका मुंह देखने लायक था तब। अरे वो तुमसे डरता होगा यार, असली रियल फैन। 12 मिलियन के लिए सरप्राइज। हम भोपाल में आए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना इतना सब कुछ इतना अच्छे तरीके से हो पाएगा और इतना प्यार मिलेगा। क्योंकि जब मुझे मालूम था कि ये थोड़ा ऑफिशियल टाइप का प्रोग्राम है, कोई मिनिस्टर है जो ये ऑर्गेनाइज किए हैं उनके यहाँ पे हो रहा है, तो मेरे दिमाग में वही चला था जैसे यूजुअली होता है, वो कभी कभी दिखते हैं, अपीयर होते हैं एकदम से। और लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे पूरा ही सीन अलग था। यहाँ पे विश्वास अंकल खुद उनके सामने में, उनके डायरेक्शन में सब काम हो रहा था, मतलब एक आइडियल तरीके से जैसे होना चाहिए वो हर टाइम। मैं खुद जब साउंड चेक के लिए भी गई, वो तब भी वहाँ पे थे, कैसा लग रहा है, सब ठीक है, सब ये है, सब ठीक है तो नहीं, उनका परिवार आप सबके बीच में खड़ी हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच चीची उत्सव, थैंक यू भूमिका, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच अंकल हमें बुलाने के लिए, और बुआ जी बहुत बहुत शुक्रिया। बुआ जी को माँ कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल गिफ्ट के लिए। और ताजुब की बात है, मेरा 12 मिलियन भी यहीं पे हो गया जिसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तुम खाओ, खुद खाओ, जूता नहीं खिला, अच्छा मुझे गिफ्ट मिला एक और, ये इसमें रख लो, बुआ जी ने दिया है ये। देखो व्लॉग का कितना फायदा है, सब ऑलरेडी माने मेरा व्लॉग देख के गिफ्ट दीदी को दे रही है। आपके मतलब बुलेट चलाने तो आप देखने आने थे आप आज। उसको उस आवाज से नफरत है। अच्छी चलाएगा ना अच्छी, तो चलाओगे? नहीं नहीं चलाना नहीं आता मुझे, अच्छे तो बैठोगे। मेरे पास एक स्कूटी पड़ा है, वो एक साल से ऐसी पड़ा है, मैं चला पीछे तो बैठोगे ढंग से, मतलब ये तो निकल गए, हमें छोड़ गए यहाँ पे, हमें छोड़ गए, हम दोनों यहाँ रह गए। आओ बाहर देख के आ रही है। सही में फिर आओ, क्या बात है, पक्का के और लेके जाओ।
क्या कैसा लगा? स्वाद भाई, अयाची भाई इधर आ जाओ। अरे अरे ओ नहीं कुछ नहीं, अरे बोल रहे सामने आ जाओ। बाय 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 बाय। सनी अकेले जा रहे, तुम जा रहे हो बस? बहुत मजा आया, फिर से एक बार जोर से हुटिंग करते हैं। हाँ। थ्री चेयर्स फॉर मैथिली, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। पहुंचे वापस होटल पर, देख रहे ये लोग इतने ठंड में घंटे से खड़े हमारे इंतजार कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और हाँ, आप कौन है? मेरा कार्यक्रम के दौरान मेरा फोन खो गया था, ये भैया ने बचाया, ये आई वाले भैया ने हमारा फोन बचा दिया और सही सलामत हम तक पहुंचा दिया। थैंक यू, इसलिए मैं व्लॉग बना पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जो मेरा तब से इंतजार कर रहे थे। हम लोग फोटो खिंचवाते हैं। थैंक यू। एप्पल का दुख।